नरेंद्र मोदी आज एक दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे जमुई से चुनावी शंखनाद करेंगे, खैरा में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा से बिहार में एनडीए के चुनावी रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि जमुई से एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती एनडीए के प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी के संबोधन का असर सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि नवादा, गया और मुंगेर तक दिखेगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनका ये पहला बिहार दौरा है। इससे पहले 6 मार्च को पीएम मोदी बेतिया आए थे। यहां उन्होंने अपने 25 मिनट के भाषण में लालू यादव का नाम लिए बिना परिवारवाद और जंगलराज पर उनको घेरा था। साथ ही INDIA पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में भी जनसभा की थी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। अब आपको पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम बताते हैं। 11:10 पर पीएम मोदी देवघर पहुंचेंगे और 11:50 पर खैरा, जो कि जमुई में है, वहां पीएम का आगमन होगा। 11:55 पर पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे। 12 से 12:45 तक पीएम मोदी का चुनावी सभा होगा, यानी कि चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे और 12:55 पर पीएम मोदी का कार्यक्रम खत्म होगा। 1 बजे पीएम देवघर हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान करेंगे। 1:40 में पीएम मोदी देवघर से कूच बिहार पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी का बिहार के अलावा आज पश्चिम बंगाल में भी कार्यक्रम है। जमुई की महान जनता जो है उनका स्वागत बेचैन है, लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत करेंगे और उनके उद्बोधन को सुनेंगे। किस तरह से उत्साह है आप लोगों का माननीय प्रधानमंत्री को लेकर? और विश्वसनीय है, अनबिलेबल है कि जिस तरह से पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने, हम लोगों ने देखा है कि जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पिछले बार 2 अप्रैल 2019 को हुआ था तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मतदाता, महान मतदाता जो है सो लाखों की, 5 लाख से ऊपर की संख्या में लोग आए थे। 2024 लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए वक्त बेहद कम बचा है, लेकिन प्रचार में बीजेपी विरोधियों से काफी आगे दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों में चुनावी सभाएं, रैलियां और रोड शो करके बीजेपी की दावेदारी और मजबूत करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज बिहार में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से सुबह करीब 11 बजे देवघर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से दोपहर 12 बजे जमुई जाएंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में पीएम मोदी की ये पहली रैली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। जमुई में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए जमुई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार की जमुई लोकसभा सीट पर एनडीए ने चिराग पासवान की पार्टी LJPR की तरफ से अरुण भारती को मैदान में उतारा है। यहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। और वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। बिहार में लोकसभा चुनाव